Hello students, welcome to Punjab Knowledge Hub channel. I am Harshandeep Kaur Sidhu and I am your English teacher. Here we start for the government exams English topic. ठीक है. Starting up फिलहाल इस लेक्चर के सिलेबस तो कर रहे हैं कि सिलेबस की है, इंग्लिश दे विच की कुछ करना है की कुछ नहीं करना. ठीक है, इस तो अलग तो कुछ एक्स्ट्रा करने की लोड नहीं हैगी. सो सारा आप अपने लेक्चर्स दे विच कवर कर लेंगे. ओके, फर्स्ट की है अपना सिलेबस. सिलेबस दे विच सब तो एक इंपॉर्टेंट चीज की है स्पॉट द एरर्स. ठीक है, जेडे स्पॉट द एरर्स होंगे ने, एक अपन सेंटेंस दिता जाता है, वो सब पार्ट्स दिते जाते हैं कि उन्होंने कोई एरर फाइंड आउट करना होंगे कि किस सब पार्ट के एरर है. ठीक है, ये जेडे स्पॉट द एरर्स ने अपने फाइंड आउट किए होंगे ने उदो हो जो अपने को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच आने हो. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे विच सारे अपने नाउन प्रोनाउंस वर्ब्स एडवर्ब्स ये सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच दे विच आ जाता. उन्होंने की अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच दे नाल सेंटेंस बनता है. ठीक है, सेंटेंस दे विचों ही फिर अपन पता लगता कि एरर कितने है. ओके ओके, नेक्स्ट आ जाते अपने मोडल्स. मोडल्स दे विच की होंगे आ कैन कुड, मतलब कि सारिया चीज़ा आप फुली डिफाइन करांगे अपने लैक्चर्स दे विच. ए चीज़ा जो भी ने ए सारिया चीज़ा यूज़ किवें हुंदिया ने, कैन का यूज़ कित्थे हुंदा, कुड का यूज़ कित्थे हुंदा, ए सब कुछ आप डिटेलिंग करांगे. ओके, थर्ड आ जांदे अपने स्पेलिंग एरर्स. स्पैलिंग एरर का मतलब होंगे कि वह अपन वर्ड दे देंगे कोई वर्ड के फुल वर्ड दे देंगे भी कि इन्होंने सही है. ठीक है, क्वेश्चन ये पुट कर लेंगे विच वर्ड इज राइट. ठीक है, दैन आप फाइंड आउट करना होंगे कि किस वर्ड के स्पैलिंग बिल्कुल ही सही है. नैक्सट आ जाते अपने एंटोनियम्स. Synonyms, one word substitution, clause passage, जेरे उन antonyms synonyms one word substitution आ गए. ठीक है, ये सारिया चीज़ा की है अपन लर्न करनिया पैंदिया ने. ये लर्न आप कितों तक करनिया होंदिया ने अप टू टेंथ क्लास. ओके, इस तो अलग तो अपन कुछ करन दी लोड़ नहीं हैगी. बहुत कुछ आ गया, बहुत बुक्स आ गई कि कल एंटोनियम सिनोनिम्स इन बुक्स आ गई, बट तुसी कितों फाइंड आउट नहीं कर सकते. ज़्यादा अगर तुसी न्यूज़पेपर कोई डेली रीड आउट कर रहे हो उहदे विच तुहानू कोई डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं. ठीक है, उत्थों तुसी इन्हां दी प्रैपरेशन कर सकते हो. अदरवाइज जो अपने टेंथ तक कीते आ तुसी उहनां नू जिन्ना रिवाइज करोगे उन्ना बैटर. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी तुहानू उही बहुत ने. ठीक है, नैक्सट आ गया अपना क्लॉज पैसेज. ये की है अपन प्रेपोजिशन आ जाए ने. ठीक है, मोडल्स आ जाते हैं भी कितने केड़ी चीज़ यूज करनी है वह आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि फुली पैराग्राफ दिता होंगे वो की है फिलन द ब्लैंक्स दिखाई होंगे ने कि तुम उन्होंने कंप्लीट करो. ओके, नैक्सट आ गया अपना एक्टिव पैसेज. एक्टिव पैसेज के पेपर के स्कूल के बट पेपर के विच किवें आउंदे आ उह तुहानू अगर उन्होंने कोई एक्टिव सेंटेंस देता. ठीक है, दैन वो कहेंगे फाइंड आउट इट्स पैसिव, मतलब कि ऑप्शनस दित्तियां होणगियां तुहानू आपां कि उहदे विच पैसिव फाइंड आउट करना, बनाउणा नहीं है, जस्ट फाइंड आउट करना, टिक करना है. ओके, दैन कई बार ये भी हो जाता कि तुहानू पैसिव सेंटेंस दे देंदे ने, उत्थों पुछ लैंदे ने कि उहदा एक्टिव की है. नैक्सट आ गया अपना नरेशन.
नरेशन दे विच की है कोई सेंटेंस देता हुंदा है सेम एक्टिव पैसिव वाला काम ही इत्थे नरेशन दे विच हुंदा है कि आपां नूं एक कोई सेंटेंस देता उन्होंने कहता वी नूं नरेट करो ठीक है नरेशन च कन्वर्ट करो दैन आपां नरेट करना हुंदा दिस आस्क बाय दिस इस तरह करके ठीक है लास्ट की हुंदा अपने कोल कॉम्प्रीहेंशन ओके कॉम्प्रीहेंशन सब ने स्कूल दे विच कीता ही होया कि अपने कोल पैराग्राफ्स दिते हुंदे आ ते क्वेश्चन आंसर दिते हुंदे आ ट्रू फॉल्स भी आ जांदे कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आ जांदियां ने देन आपां की करना हुंदा उन्हां नूं फाइंड आउट करके उन्हां दे आंसर्स करने हुंदे ने ओके देन आपां की करदे आ अज आपां स्पॉट डायग्राम दे विच मैं तुहानूं कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच करने आ आपां पार्ट्स ऑफ स्पीच करने लिए मैं थोड़ा कहा कि नाउन प्रोनाउन सब कुछ आना चाहिए मैं फिलहाल अज के लैक्चर के पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल्स दस रही हूँ कि वह कि टाइप्स होंदिया ने की होंदिया ने ठीक है जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ नैक्सट लैक्चर के आप फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे मीनस आप नाउन स्टार्ट करा टाइप्स और क्वेश्चन किमें आते हैं सब कुछ आप नैक्सट लैक्चर के करा बच्चे एक होर गल इंग्लिश तो डरन की लोड़ नहीं है इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ईजी भी है अगर तुम इनू एक बैटर वे नाल कर रहे हो ठीक है ओके दैन आप स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम इतों ही समझ सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है स्पीच के पार्ट्स ने लाइक आप छोटे होंगे करते होंगे सी बॉडी पार्ट्स जब टीचर्स कह देंगे सी पार्ट्स ऑफ बॉडी ओके दैन उतो अपन की पता लगता है कि आपको कि बारे पूछा गया अपने बॉडी पार्ट्स के बारे पूछा गया हूँ इतों ये चीज़ क्लीयर हो रही है कि स्पीच बोलना ठीक है जस ऑबवियस है जो बोलते हैं कोई सेंटेंस बनाने तो स्पीच के पार्ट्स आते हैं उन्होंने आप फुली डिफाइन आउट करना फर्स्ट पार्ट की होंगे गा जो भी आप किसी परसन बुला हों तो आप ऑबवियस नेम बुलाने ठीक है देन हुण इत्थे इहदा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट की आ गया अपना नाउन नाउन इज द नेम ऑफ अ परसन प्लेस थिंग एटसेट्रा ठीक है लिख सकते हो नेम ऑफ परसन प्लेस थिंग एटसेट्रा ठीक है इहदी एग्जाम्पल्स लैणी आ हुण राम अमृतसर एटसेट्रा ओके ओके नेक्स्ट इहदा सेकंड पार्ट अपने कोल आ जांदा है प्रोनाउन प्रोनाउन दे विच की हुंदा है जो नाउन नूं डिफाइन करे ठीक है जा आपां कह सकदे हां विच वर्ड्स दोज आर used instead of noun जो noun की जगह से words वरते जाते हैं उन्होंने आप pronoun कहने words used instead or on the place of noun ठीक है जो नाउन की जगह पर वरते जाते हैं वर्ड्स उन्होंने आप कहने प्रोनाउन कहने ओके ये एग्जाम्पल लै सकते हो तुम ही शी इट दे एटसेट्रा क्योंकि होर भी वर्ड्स आ जाते हैं ओके नैक्सट थर्ड आ जाता अपना वर्क वर्क की है किसी के काम को दसना किसी का काम किसी का एक्शन वर्क ये जो सब चीज़ा होंगे ने वर्क के विच होंगे ने ठीक है टू एक्सप्लेन वर्क एक्शन एटसेट्रा मीनस आप किसी के काम बारे जो डिफाइन करना भी वह की काम कर रहे हैं
की कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजा की आएंगे, वर्ब आएंगे और अपन उतो पता लग रहा है भी हाँ वो बंदा ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाने ने रन मीन्स ही रनस, वो भजदा है, ओके। ही वर्क हार्ड, पता लग रहा है भी वो वर्क कर रहे हैं, ओके एटसेट्रा। नेक्स्ट हम एडवर्ब, एडवर्ब तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो रही होनी है कि वर्ब प्लस एड, ठीक है, मींस वर्ब ना ही रिलेट कर रहे हैं वर्ड, इधर ना रिलेट करने लिए की है, रिलेट किवे करता है ये, जिवें हुण मैं हुणी हुणी सेंटेंस बोलिया ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, मीन्स उत्थे पता लग रहा है भी वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो जिहड़ा हार्ड है वो की है वर्ड नू क्वालिफाई कर रहे हैं, देन वो अपना की हो गया, अपना एडवर्ब हो गया। दोस वर्ड्स विच क्वालिफाई, विच क्वालिफाई वर्ब, जो वर्ड्स अपनी वर्ब नो क्वालिफाई करन, ठीक है, उन्हें आप की कहने हैं एडवर्ब कहने हैं। एग्जाम्पल एक मैं थोनों दे ही चुकी हूँ, हार्ड और हार्डली भी आ सकता है, ठीक है, फास्टली लाइक मैं ऐसे एग्जाम्पल दिखी सी ही रनस, अगर मैं करना ही रनस फास्टली देन वो की कर रहे हैं उन्होंने दस रहे कि वो बहुत तेज भजदा है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ आर्टिकल, ओके आर्टिकल अपना पता ही है कि अपन की होंगे है, थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल होंगे, ए एम द, ए थानू पता है कि आप जो सिंगल चीज होंगी उदो लाने सारे ही उदो लाने जो सिंगल चीज होंगे ने, ठीक है, बट ए नॉर्मली आप लाने बुक अ टेबल थिंग दैट नैट थिंग, ठीक है। एन है जो हमेशा आप सुने कि सिर्फ वॉवल्स ना लगता है, बट हजे भी अपन ये चीज की प्रॉपर नहीं पता कि वो वॉवल नाल ही लगता है या किसी होर चीज भी ना, यस जेड़ा एन है वो कल वॉवल नाल ही लगता, वो वॉवल दी साउंड्स नाल भी लगता, जिथे जिथे वॉवल दी साउंड आ रही है उथे आपां एन ला सकते हैं, ठीक है। दा उथे लगूगा जिथे कोई फिक्स चीज है, स्पेशल चीज है उथे लगूगा, ठीक है। लाइक एन एग्जाम्पल दे देनी है, जिवें मैं थोनू कहा है कि साउंड ना लगता, ठीक है, तुसी कदे नोटिस करियो अगर तुसी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, उत्थे की लिखा होगा, एग्जाम्पल दे रही है मैं थोनू, एन एम एल ए एन एम पी, क्लियर, ओके। देन हुण मैं आ जानी है दा दे उपर, दा दी अगर एग्जाम्पल लैनी होगी, देन इत्थे मैं थोनू एक वर्ड नाल समझा देनी हाँ, वर्ड दे विच की करना है आपां कि अपने को दो वर्ड्स ने अमृतसर, मैं थोड़ा ऊपर ही कर दनी है, हुण मैं थोड़ा आर्टिकल दा समझा रही हूँ, ठीक है, हुण थोड़ा ही समझना है आपां, ओके। लाइक दो वर्ड ने, एक हैगा अमृतसर, एक हैगा गोल्डन, टेंपल, ठीक है, दो वर्ड्स ने, ऑब्वियस है सेम प्लेस है, ठीक है, बट तुसी ये चीज देखो जेड़ा अमृतसर है वो की है, पंजाब का सब पार्ट है, ओके, पंजाब की दा सब पार्ट है इंडिया का, इंडिया अगे एशिया का आ गया, ओके, देन एवें की है ये बहुत ज्यादा सब पार्ट है, देन आपां इहदे नाल की है दा नहीं लगावांगे, क्लीयर। हुण आ गया गोल्डन टैंपल, गोल्डन टैंपल जे देखिया जावे वह अमृतसर का एक पार्ट है, बट तुसी सब ने ये चीज नोटिस आउट कीती है कि अपना एक मॉन्यूमेंट है, एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, देन आपां इहदे नाल की लगावांगे द गोल्डन टैंपल, क्लीयर आउट, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने रेपो
प्रपोजिशन, प्रपोजिशन अगर आप तोड़ के लिखिए देन अपने को पता की लगता है प्री पोजिशन, ठीक है, मतलब कि किसी चीज की पोजिशन है ओदा आप की दस रहे हैं, प्री दस रहे हैं, प्री मतलब होंगे पहला, वो तो पहला की लगना है, ओके, देन हुन इधर इधर एग्जांपल अगर लिए तो इधर विच वर्ड्स के लिए आंदे नहीं, वर्ड्स आ जाने नहीं इधर विच अप अपॉन, प्लीज पुट द बुक अपॉन द टेबल, ओके अपन दस रहे हैं कि बुक है जेटी टेबल दे ऊपर रख दो, ऑन आ जाना, ओके कह रहे हैं अपन बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन टेबल, देन ऑन की आ गई अपनी प्रपोजिशन आ गई, ऑन तो की पता लग गया बुक कह जाएगी टेबल के ऊपर है, ओके, देन आ जाते हैं अपने एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव की है, एडजेक्टिव के वर्ड्स आ जाते हैं अपने एंग्री, मीन्स एक ही है जिहड़ा एडवर्ब सीगा वो वर्ब नू क्वालीफाई कर रहा सी के फास्ट कर रहे हैं या कुछ और, हुण इत्थे जिहड़ा आपां किसे परसन बारे जो गल कर रहे हैं ओदी ओदा एटीट्यूड दस रहा है, ओदा बिहेवियर दस रहा है, ठीक है, उस चीज़ नू आपां की कहांगे अपने एडजेक्टिव, लाइक एंग्री आ गया, ठीक है, हार्ड आ गया, ये सारे वर्ड्स ने की है एडजेक्टिव है, लाइक यू कैन से दैट ही इज अ एंग्री मैन, मीन्स जिहड़े एडवर्ब आ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਗਰੀ ਮੈਨ, ਹੁਣ ਐਂਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਂਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟ, ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ कंजंक्शन, कंजंक्शन की है जो वर्ड्स अपने दो सेंटेंसेस नो कंबाइन कर लें, ठीक है, उन्होंने आप की कहने कंजंक्शन, दो वर्ड्स कंबाइन द टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस, ठीक है, जेडे वर्ड्स अपने दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस नू कंबाइन कर देने एक सेंटेंस बना दे या उन्हें ना अपन कंजंक्शन कहने हैं, इधर एग्जांपल्स आ जाने हैं अपने को एंड देन और नाइदर नॉर आइदर और ये सारा कुछ की अपने कंजंक्शन दे पार्ट्स नहीं, ओके, एंड नेक्स्ट आ गया अपना लास्ट वन इज अ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आप उ यूज कर रहे हैं जिथे आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही होंगी, ठीक है, टू एक्सप्रेस फीलिंग, ठीक है, जो चीज आप फीलिंग एक्सप्रेस करने लिए जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन्होंने की कहने आप इंटरजेक्शन कहने हैं, इंटरजेक्शन आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, वाओ, फ्यू मीन्स अपना कोई काम बहुत टाइम तो अड़िया हुआ सी आपा उन्हों फ्यू ना एंड कर सकते, ओके, इंटरजेक्शन एक होर मेन पार्ट होंगे दिस साइन, अगर तुम ये साइन नहीं लाओगे तो अपने इंटरजेक्शन का होर कोई काम नहीं है, ओके, देन दिस इज आर एंड ऑफ वीडियो, ओके, कमेंट योर आइडियाज और व्यूज अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।